आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया रोवर प्रज्ञान। अब चांद की सतह पर घूम रहा पानी और कीमती धातुओं से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद घर नहीं गया इसरो के पूर्व चीफ के सीवन ने जाहिर की मून मिशन कामयाबी होने की खुशी। तमिलनाडु हमें पानी छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकता, कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक। यूपी सरकार की मथुरा को संवारने की कवायद। कृष्ण के पसंदीदा पेड़ लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत। डिडवाना में चाय बेच पिता ने दो बेटियों को पढ़ाया, सरकारी नौकरी में दोनों ने एक साथ परचम लहराया। टीवी मुफ्त हुए बूंदी जिले के दो वार्ड, मुख्यमंत्री गहलोत ने किया सम्मानित। कंफर्म टिकट की टेंशन हो गई खत्म, रेलवे गणपति उत्सव पर चलाएगी 312 स्पेशल ट्रेन। उत्तर प्रदेश, सिर्फ दारा और सुधाकर सिंह ही नहीं, इन तीनों नेताओं की अग्नि परीक्षा भी है घोषी का उपचुनाव। भारत लौटते ही इसरो वैज्ञानिकों से मिलेंगे, पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं वादा। आईएएस नवदीप रिणवा को यूपी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, 9 लोगों की मौत। मायावती की यूपी सरकार से पीड़ित परिवार वालों की हर प्रकार से मदद की अपील। अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा ऑपरेशन त्रिनेत्र। अब तक लगाए गए 3.50 लाख सीसीटीवी कैमरे। चंद्रयान 3 मिशन में शामिल उन्नाव के आशीष मिश्रा लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम में निभाई अहम भूमिका। मणिपुर में अब शांति, हालात पहले से बेहतर, सीएम बीरेन सिंह। बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा के लिए स्टेशन पर परीक्षार्थियों का हुजूम, 3 दिन चलेगी परीक्षा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नूह हिस्सा के विरोध में हो रहा प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात। चेस वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के प्रज्ञानंदा की हार, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जीते। तोशाखाना केस रद्द करने और जमानत मामले में इमरान खान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। लड़कियों को अत्याचार से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर भी करना चाहिए, सुवेंदु अधिकारी। 6 देश, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई बने ब्रिक्स के नए सदस्य। दिल्ली सरकार में सर्विसेज मंत्री अतिशी ने दिल्ली सेवा कानून पर खड़े किए सवाल। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।